अवार्ड एक एहसास है कि भाई कुछ चीज़ों के लिए आपको सराहा गया या आपकी कुछ चीज़ों को दिमाग में रखते हुए आपको उस चीज़ के लिए सम्मानित किया गया। इट्स ए गुड फीलिंग, अच्छा लगा और एक प्रोत्साहन मिलता है कि आगे भी अपन कुछ अच्छा काम करते रहें। दैट्स अ थॉट अबाउट इट। आज भोजपुर इंडस्ट्री से जुड़े हैं आप, क्या कहना चाहेंगे? आज आपको अवार्ड मिला है, पवन सिंह को मिला है और किस किस को मिला है आप बताना चाहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद, पहली बात तो अशफाक भाई का और दादा साहब फिल्म फाउंडेशन का कि जिन्होंने हम लोगों को चुना और अवार्ड दिया। एक ऐसे व्यक्ति का जिन्होंने हिंदुस्तान के अंदर सिनेमा का इतिहास बनाया रखा, नींव रखा, जिसकी बदौलत आज हम लोग सब पल रहे हैं, फूल रहे हैं, काम कर रहे हैं और नाम है। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैं सबका। और इस बार जो अवार्ड मिला है, मुझे मिला है, पवन सिंह को मिला है, रानी चैटर्जी को मिला है, अभय सिन्हा जी को मिला है, तो आभारी हैं हम लोग कि भोजपुरी सिनेमा को भी इतना रिकॉग्नाइज मिल रहा है और दादा साहब फाल्के हम लोगों के हाथ में आ गए। इससे बड़ी बात कुछ और नहीं हो सकता। ये हमारे लिए सर्वप्रिय हैं और हमेशा रिस्पेक्ट हमारे दिल में इनके लिए रहेगा। थैंक यू। बहुत मुझे बहुत खुशी हो रही है, दादा साहब फाल्के अवार्ड जो बॉलीवुड के जन्मदाता हैं उनके नाम से अवार्ड मिल रहा है और इतने बड़े बड़े दिग्गजों को आज अवार्ड मिला है। हिमेश रेशमिया, स्वरा भास्कर, सरमन जोशी, हमारे भोजपुरी मासूम साहब, हमारे सबसे बड़े सोशल वर्कर और देश समाज के लिए हमेशा काम करने वाले अनिल मुबारका साहब और भोजपुरी इंडस्ट्री के हमारे पांडे साहब, राजकुमार पांडे जी, इतनी बड़ी बड़ी हस्तियों को अवार्ड मिला है। और सबसे ज़्यादा जो मुझे खुशी इस बात की है कि आज से 15 साल पहले जिन्होंने ये अवार्ड किया है, अशफाक खोपेकर जी, उन्होंने एक फिल्म बनाई थी सियासत और उस फिल्म का पीआरओ बनने के लिए मैंने बहुत धक्के खाए थे, उनके ऑफिसों में चक्कर लगाए थे, लेकिन आज वही प्रोड्यूसर हैं, वही डायरेक्टर हैं जिन्होंने ये अवार्ड किया है और मुझे 15 साल पूरे होने के मेरी पीआरओशिप के लिए मुझे ये अवार्ड दिया है आज, तो मुझे बहुत खुशी हो रही है लेकर। थैंक यू। तेरी आँखों को आपका नाम? जी मैं हूँ द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज से कॉमेडियन धार्ष बेरेडिया। बात करें जो आपको अवार्ड मिला है, किस मिला आपको? जी मैं 15 साल से बॉलीवुड में काम किया और टेलीविज़न की दुनिया में मैंने द ग्रेट इंडिया लाफ्टर चैलेंज, हेलो कौन, पहचान कौन, ताजा हसगुल्ला, वाह भाई वाह, इन सब सीरियलों में काम किया। मुझे बेस्ट टीवी एक्टर, बेस्ट कॉमेडियन का जो अवार्ड मिला दादा साहेब फाल्के फाउंडेशन की ओर से, मैं इसका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ सर। कितना क्या इंपॉर्टेंस है इसकी आपके लिए? मेरे लिए बहुत महत्व के हैं सर, बहुत सारे अवार्ड हैं, मुझे अब तक 15-20 साल के करियर में कॉमेडी की दुनिया में बहुत सारे अवार्ड मिले, लेकिन मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा अवार्ड ये रहा दादा साहेब फाल्के अवार्ड। दादा साहेब फाल्के के बारे में आपसे जानना चाहेंगे, बता पाएंगे? दादा साहेब फाल्के हमारा आइडल हैं, दादा साहेब फाल्के एक स्ट्रगल जो होता है, जितना स्ट्रगल करता है वो उनके लिए एक मुहावरा है कि उन्होंने जो स्ट्रगल की फिल्म इंडस्ट्रीज को जिंदा रखा और पहली फिल्म राजा हरिश्चंद्र जो उन्होंने शुरुआत की, इसके बाद चलती रही और वो दौर अब तक उनके ही बदौलत हम लोग सब कलाकार, जितने भी सेलिब्रिटी, जितने भी सुपरस्टार, जितने भी बड़े लोग हैं, छोटे लोग हैं, हर एक की रोजी रोटी चलती है दादा साहेब फाल्के की वजह से। आज अगर बात करें आपके साथ में कॉमेडी की, और कौन-कौन दिग्गज पहुंचे थे? कॉमेडी के बहुत सारे दिग्गज थे, मेरे ख्याल से वीआईपी को मैंने देखा तो नहीं, लेकिन वीआईपी आया था, सुगंधा मिश्रा स्टेज पर आई, उन्होंने भी अवार्ड ये पाया और वो भी अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझी इस अवार्ड को पाके। वैसे भी दादा साहेब फाल्के अवार्ड को पाके कौन सौभाग्यशाली नहीं समझेगा। और बहुत सारी हस्तियां यहाँ पर थी, हिमेश रेशमिया भी थे और मेरे ख्याल से सर अनेक हस्तियां यहाँ पर उपस्थित थी। मेरा नाम चंद्रशेखर पुसालकर फाल्के, आई एम द ग्रैंडसन ऑफ दादा साहेब फाल्के, डॉटर्स सन। कितना प्राउड आपको पहुंच के आज ये कि अवार्ड जो है इसके बारे में, उसके फैन आप पहुंचे यहाँ पर अपने पूर्वजों के एक नाम से अवार्ड? सही बात है कि ये हमारे लिए एक भाग्य का क्षण है कि उसमें हमें उपस्थित रहे
और बहुत सारा सम्मान हमें भी मिल रहा है कि ये मैं शुक्रगुजार हूँ मेरे ग्रैंडफादर का और ये सम्मान मैं उन्हें ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। और मैं एक जानकारी देना चाहता हूँ कि दादा साहेब फाल्के के बारे में फर्स्ट वेबसाइट इन द वर्ल्ड मैंने चालू की है, उसका मैं वेबसाइट का एड्रेस देता हूँ सभी के लिए, www.dpim.org.in। तो ये वेबसाइट प्लीज़ विजिट दिस वेबसाइट एंड सी माय वीडियो ऑन यूट्यूब, 19 मिनट्स टॉक ऑन लाइफ ऑफ दादा साहेब फाल्के, nobody knows much about him, please share because we have taken poll on Dada Saheb Phalke whether he should get Bharat Ratna. Thank you very much, please share.